आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए मुल्क दिन ब दिन पीड़ा कर उसका होता जा रहा है अब श्रीलंका के मॉरिशस में भी यू लॉन्च होने जा रहा है दस हजार भेजना हो तो दस हजार तो था। हम आपको दे जैस कैश में तो उसमें दो सौ उस रूपए चला जाता है

तो दो कौन उनको मैच कर पाएगा मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग यही इल्जाम लगते ना पाकिस्तान पे फैट अब यही है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज अपना कारोबार बंद कर रही है कैशलेस सोसाइटी बन चुकी

यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा मैं उससे बढ़ के आज सुबह आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है फायदा इंडिया की, की है हाँ, इंडिया की पाकिस्तान बरे से गिर का वो वाहद मुल्क है जिसे अल्लाह तला ने कुदरती गैस की दौलत से माला माल की है and this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. Valuable news to us. हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे हम uh. क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही टोटल जो फिलोसफी होती है वो स्टूपिड बातों के ऊपर बेस्ड होती है मुल्क वसाइल से माला माल है गुड गवर्नेंस आ जाए मुल्क ठीक हो जाएगा हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर वो मौजूद है नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों जैसा आप सभी को कि भारत का जब यूपीआई सिस्टम आया था तो दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया था क्यों बोला दोस्तों यूपीआई के आने से भारत में ट्रांजेक्शन करना बहुत ही ज्यादा सरल हो गया था वो भी हर एक किसी के लिए चाहे वह एक ठेले वाला हो चाहे एक वो बड़े होटल वाला यूपीआई आने से दोस्तों काफी ज्यादा अपने भारत को ग्रोथ मिली और दोस्तों हमारे देश में जो कैश ले जाने से दिक्कत होती थी हर जगह कैश कैरी नहीं किया जा सकता उस हिसाब से दोस्तों ये यू सिस्टम काफ़ी अच्छा था और ये यू सिस्टम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दोस्तों अब इस यू सिस्टम से दोस्तों मॉरिशस श्रीलंका जैसे देशों में भी अवेलेबल हो चुका है जिसे देख के दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के हालत ख़राब हो गए हैं हालांकि कुछ अच्छे लोग की इसकी तारीफ भी कर रहे हैं पर दोस्तों जो जलने वाले वो इसकी बुराई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का भी

कि जो अनबैक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है उसके पास क्यू आर कोड दैट अचीविंग दैट नो आई थिंक इट जस्ट आप वंस यू मेक दिस आपस इस तो मुझे आपको hmm. ये नहीं पता रास्ट क्या होता है तो hmm. कहाँ से इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल होना है मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल सो so therefore फॉर द डिमांड सेट वुड भी also ऑल्सो so the द इंसेंटिव वुड भी कि अगर मेरी चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई क्योंकि अब मैंने ऐसा मैगजिम लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवर नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं hmm. उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी या जो भी उसका इस्लामिक वेरियंट है एंड सो ऑन सो दे वुड बेनिफिट फ्राम दिस सेविंग्स हैं उसकी देखिए जब आप किसी को बैंक बनाते हैं तो वो तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना देते हैं ही कैन नाउ सेव मनी ही कैन टेक लोन्स

रुपये ने पैसे ने है, हैंड चेंज करने बंद कर दिए एंड इट बिकेम डिजिटल एंड बिकॉज एवरी मर्चेंट नाउ हैड अ क्यू आर कोड वो खाडी के पास भी आ गया वो पेट्रोल पम्प में भी आ गया वो रिडी वाले के पास भी आ गया सो so आपकी जो डिजिटल लिक्विडिटी वो बढ़ गई अभी देखिए जैसे ईजी पैसा है जायज़ कैश है उसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन तो कैश इन कैश आउट है अब जाते हैं आप जाए कहते हैं यार सौ रुपया फ़िलाह बंदे को भेजते हैं मैं उनको सौ रुपया देता हूँ पंद्रह मिनट के बाद वो सौ रुपया वहाँ से निकल जाता है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो पैसे की है वो तो सिर्फ प्लमिंग है जो कैश इन कैश आउट कर रही है उससे बहुत कम फायदा है इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दीज इंस्टिट्यूशन तो वो कोई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर रहे सो so, बेनिफिट तब करेंगे जब ये पैसे उस सिस्टम में रहेंगे न तो सिस्टम में तब रहेंगे जब वो डिजिटल पैसे डिजिटल लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और तब होगी जब हर कोई उस डिजिटल लिक्विडिटी को सर इंडिया का रिजर्व बैंक है उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है सऊदी अरब को भी दिया है फ्रांस को भी दिया 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया अब जहा जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यू के थ्रू पेमेंट करते हैं पाँच लाख की पेमेंट एक रुपया टैक्स नहीं है मुल्क से बाहर भी भेजो एक रुपया टैक्स नहीं है आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो इंडिया की महीश से हम मिल ही नहीं सकते इंडिया की महिषित हमारे ऊपर है हमारी मही बहुत डाउन है उनकी हुत अमीर है अवाम गरीब हमारी आवाम गरीब सर अब तो उनके आवाम भी अमीर हो रही है इतना कारोबार वहाँ पर आ गया उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है स्टेबल है डॉलर आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी अस्सी कभी तीन सौ कभी साठ हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा हमारे सारे तो खाने वाले हैं डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है में हमा, जब हमारे अक, में पैसा अच्छा। रुक, रुका ना हाँ। और वो को फायदा हो जब हमारे अरब में हो या दुबई में हो एक इंडियन हो। पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है घर बेहता है तो आठ दस हजार उसकी कटौती हो जाती है अगर एक इंडियन बेहता उसका जीरो रुपया कटता है तो उसका उन्होंने अपने यू पी आई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारे अभी तक न, 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 इलम की कमी की वजह से अच्छा। उनको इलम ज्यादा है हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजम रिटायर्ड हुआ रेंजर से। मुझे पता है मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ आप रेंजर में थे हाँ जी। मैंने देखा उनकी मैशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है लेकिन वो उनकी मज नहीं, नहीं सर गरीब कहा दुनिया की लार्जेस्ट अब आप तो।, आप तो हमारे से ऊपर हो गया ना बहुत ऊपर है हम तो शायद एक नंबर पे आते हैं वो पांचवें नंबर पे आते हैं ये तो हमारी अपनी और ला की कमी है हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है बेचारों को क्या पढ़ना उन्हें

मैं उसको हज़ार रुपए की चीज ले रहा हूँ अपना वो उसके पीछे सौ रुपए कार्ड वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं हम एक ऐसा सिस्टम में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा जो प्रदेशी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा किन की इंडिया की ले करें सकते हैं यस तो हमारे स्टेट बैंक ने आता क्या बनाया हमारे लिए स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो, तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया हमारे अपने हमारा खदाना हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया स्टेट बैंक ने हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है तो होना नहीं ऐसा है हमारा जो जितना भी आप देखते हैं आपको भी लमी है ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बात टोटल फार्मलिटी फार्मलिटी पूरी कर दी है बात हाँ। फार्मेलिटी से तो फ़ायदा कोई नहीं है अगर इस कोई अमल हो तो फ़ायदा हो